गुड इवनिंग। आज हम जिस सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे वह है आपका टीचिंग मैक्सिम। इंग्लिश टीचिंग का यह टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी टीचिंग मैक्सिम होती है। पहले हम शॉर्ट में देखेंगे, पर्टिकुलर टू जनरल, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एम्पिरिकल टू रैशनल, इंडक्शन टू डिडक्शन, नियर टू अफार, वूल टू पार्ट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल और डेफिनेट टू इनडेफिनिट। ये सारे आपके वही सूत्र हैं जो हिंदी में आपने देखा है, चाहे आपने किसी गणित शिक्षण में देखा, चाहे ईवीएस में देखा, चाहे पर्टिकुलर शिक्षण में देखा। बहुत ही शॉर्ट में हम इसको रिवाइज करेंगे। देखिएगा, हम रिविज़न क्लासेस दे रहे हैं आपको ताकि आपकी जो चीज़ें भूल रही हों आप रिवाइज करें। एक एक करके हम इंग्लिश टीचिंग के कुछ शॉर्ट वीडियो आपको देंगे जिससे आपकी जो भूली बिसरी यादें हैं वो पुनः क्या होगी, जागृत हो जाएंगी। तो पहला आपका क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल मतलब इसको आप कह सकते हैं विशिष्ट से सामान्य। आपने देखा होगा आगमन विधि में यूज़ करते हैं, पहले आप उदाहरण देते हैं या पहले किसी की चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ उस चीज़ को दिखाते हैं, तब आप जनरल मतलब जो सामान्य चीज़ें उस ज्ञान को देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी विधि आपकी होगी, तो आगमन विधि भी है आपका, और भी कई विधियाँ हैं जिसमें पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। दूसरा है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वास्तव में जो है उसको दिखाना और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव जो नॉलेज है उसको बाद में दिखाना। तो मतलब सूत्र जानते हैं कि दो आपके ब्रिज हैं, उनके बीच में आप एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए जो पुल बनाते हैं वो आपका सूत्र होता है, और दोनों जो पुल होते हैं, जो नदी के किनारे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, जो कभी नहीं मिलते। तो हम क्या करते हैं, एक से दूसरे पे जाते हैं, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। ही आप जानते हैं ज्ञात से अज्ञात आपका आगमन विधि में भी है, आपने देखा होगा। एक ही विधि बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि एक ही विधि से आप सारे सूत्रों को समझ जाएं। फिर आप देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले आप सरल चीज़ें बताएं फिर जटिल, ये भी आगमन विधि का है। यहाँ पे आप अपोजिट भी जा सकते हैं, और अपोजिट जाएंगे तो उस मेथड का नाम बदल जाएगा। अगर आप एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे तो आपका दूसरी विधि यहाँ पे यूज़ होगी। उसके बाद देखेंगे तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो आपका मूर्त से अमूर्त है, ये भी आपकी आगमन विधि की ही है। फिर एम्पिरिकल टू रैशनल, मतलब आप अनुभव जो करते हैं, अनुभव से तर्क की ओर जो आपका सूत्र होता है वो भी यहाँ पे होता है। यहाँ आपको जितनी चीज़ें आपने हिंदी में शिक्षण में पढ़ी उसकी इंग्लिश अगर आप जान जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी इंग्लिश टीचिंग की सही हो जाएंगी। इंडक्शन टू डिडक्शन, मतलब आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर, ठीक है। इसके अलावा नियर टू अफार, देखिए नियर टू अफार मतलब आपके जो आपके नज़दीक है और उससे कहाँ जाना, आपसे जो दूर है, तो जो पर्टिकुलर आपके वातावरण, जो सबसे आपके क्लोज वातावरण है उससे संबंधित चीज़ों को पहले बताना, उसके बाद जो आप नहीं, जिससे आप बहुत ज़्यादा दूर हैं उस चीज़ को बताना, ये आपका भी सूत्र है नियर टू अफार। फिर है वूल टू पार्ट, ये आप जानते हैं वूल टू पार्ट, जैसे विश्लेषण विधि आपने पढ़ी होगी, वूल टू पार्ट एनालिटिकल जो आपका मेथड है टीचिंग का उसमें यूज़ होता है, मतलब संपूर्ण को फिर क्या पार्ट को, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप जो अध्ययन करते हैं। फिर साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मतलब आप मनोविज्ञान से तर्क की ओर जो जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये व्यवहार की बात है, और तर्क आपका क्या है, एक तर्क, एक चिंतन की क्षमता है आपकी। तो इस प्रकार से भी आप सूत्रों को यूज़ करते हैं, डेफिनेट टू इनडेफिनिट जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, ये आप किस को निश्चित है और इससे किस हो जाते हैं अनिश्चित की ओर। तो पहले जो चीज़ निश्चित होती है हम उसका ज्ञान देते हैं, और करते करते अनिश्चित की ओर जाते हैं। तो ये आपका कुछ प्रमुख टीचिंग मैक्सिम है जो इंग्लिश टीचिंग में आपको यूज़ करना है, सेम रिमेन सेम एज अदर टीचिंग्स, मतलब ये सारे में सेम रहता है। तो उसमें बस हमको इसका ट्रांसलेशन अगर हमने पढ़ लिया तो हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे।